बिग बॉस सीजन 14 का वो मुकाम आ गया है जहां पर एजाज खान ने घर से विदा ले ली है। जी हाँ दोस्तों, एजाज खान ने पूरे 106 दिन बताए हैं बिग बॉस के घर में। आपको बता दें कि एजाज खान की रुखसती से घर के सारे सदस्य काफी अपसेट नजर आए और अर्शे खान का तो रो रो कर बुरा हाल था। एजाज के एग्जिट से पहले उन्होंने अपने सारे पलों को दोबारा जिया, घर वालों का प्यार पता चला, तो साथ ही साथ उन्होंने जो कुछ भी अच्छा बुरा किया, जिस तरीके से उन्होंने घर में अपने पॉइंट्स प्रूव किए, उन्होंने अपनी इस जर्नी को दोबारा से जिया। इसी के साथ ही अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से विदाउट एनी नॉमिनेशन वो शो को क्यों एग्जिट कर रहे हैं, क्यों बाय बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एजाज खान कई दफा घर में इस बारे में बात करते नजर आए हैं कि उनकी पहले से ही डेट फिक्स थी उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल एजाज खान इस घर में 106 दिन बिताने के बाद इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनका एक प्रोजेक्ट था जो कि लॉकडाउन से पहले ही सेट था, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोरोना वायरस वो कंटिन्यू नहीं हो पाया और अपनी डेट्स की वजह से वो इस शो को कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि डेट्स का भी इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और वो अपने काम से ज्यादा दगा नहीं कर सकते थे, इसलिए वो शो को बाय कहकर जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि विकिपीडिया पर गौर फरमाया जाए तो उन्हें तो सीजन 14 का विनर तक डिक्लेयर कर दिया गया है और फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं और उनके इस तरीके से शो को बीच में छोड़ देने से काफी लोग परेशान हैं। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं एजाज खान के इस तरीके से एग्जिट लेने पर? आप क्या खुश हैं और क्या सोचते हैं आप एजाज के बारे में, हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर कटलेस अनसीन अनदेखा सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।